नमस्कार, देवभूमि के मेगा बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काविंद चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लाल कुआं में। दिल्ली से काठगोदाम आ रही जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक महिला की उम्र करीब 30 से 32 वर्ष बताई जा रही है। मृतक फिलहाल रेलवे पुलिस मृतक महिला की शिनाख्त में जुटी हुई है। तस्वीर आप देख सकते हैं, ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस फिलहाल शिनाख्त में जुटी हुई है। वहीं विकासखंड कर्णप्रयाग के आधे दर्जन से अधिक गांव ने सड़क नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ चुनाव बहिष्कार का निर्णय लिया है। प्रतिनिधियों द्वारा गांव में जाकर मतदान करने के लिए ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उत्तराखंड बनने के बाद भाजपा और कांग्रेस के सरकार के प्रतिनिधियों ने विकास के भले ही लाख दावे किए हों, लेकिन आज भी उत्तराखंड के कई गांव ऐसे हैं जो मूलभूत सुविधाओं को लेकर मतदान बहिष्कार जैसे कदम उठाने को मजबूर हैं। कर्णप्रयाग विकासखंड के ग्राम पंचायत गनोली, ठांगवाड़ एवं ठोटला के ग्रामीणों ने 2022 विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। 2006 से स्वीकृति मिलने के बावजूद भी आज दिन तक उक्त ग्राम पंचायतों के 8 गांवों में आज तक सड़क नहीं पहुंची है। वहीं दर्शकों, चुनाव के अंतिम चरण में अब पिरान कलियर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर शादाब आलम ने खादर क्षेत्र के लगभग आधा दर्जन गांवों में जाकर रोड शो कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इनके साथ हजारों लोगों का काफिला तो साथ रहा ही, साथ ही लंबी गाड़ियों का एक काफिला भी देखने को मिला। इनके साथ आप नेता संदीप पांचाल भी मौजूद रहे। प्रत्याशी शादाब आलम ने बताया कि पूरी विधानसभा की जनता का सहयोग उन्हें मिल रहा है और इस जनसैलाब को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार जीत आम पार्टी की होने वाली है। उन्होंने यह भी बताया है कि उनकी टक्कर भाजपा प्रत्याशी से है, क्योंकि कांग्रेस का प्रत्याशी तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। वहीं आपके वरिष्ठ नेता संदीप पांचाल ने बताया है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अब खत्म होने वाली हैं और जो पार्टी उभर कर सामने आने वाली है वह है आम आदमी पार्टी। दिल्ली में कांग्रेस की जीरो है, पश्चिम बंगाल में 40 पैसे जीरो पे आए हैं। आप किसी स्टेट को उठा के देख लो, किसी भी जगह पे अगर कांग्रेस की एक भी सीट बढ़ी हो तो आप ये मुगालते निकाल लेना कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बन रही है। पिरान कलियर में जो चुनाव हैं वो सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। विधायक फुरकान अहमद जी ने जो हालत पिरान कलियर की है वो तीसरे नंबर पर खिसक चुके हैं। वो अपनी पैसा और दारू बांटना बंद कर दें, वो अपना पैसा भी खराब कर रहे हैं, दारू भी खराब कर रहे हैं, जनता जीत रही है। अब की बार पहली बार पिरान कलियर की जनता मुद्दों पर वोट कर रही है और इसका नतीजा आपको आपको आज मेरी बात का यकीन नहीं आएगा। जनता फैसला कर चुकी है, 10 मार्च को जो जनता का फैसला है वो आपके सामने आ जाएगा। चुनाव में 2 ही दिन बचे हैं, लेकिन ऐसे में स्टार प्रचारकों के साथ अब माइनॉरिटी की टीम भी अभी विधानसभा का जायजा लेने पहुंच रही है। इमरान प्रतापगढ़ी की टीम भी पिरान कलियर पहुंची और विधानसभा का जायजा लिया। इस बीच टीम के सदस्यों ने बताया है कि इस बार भारी बहुमत से उत्तराखंड की में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और कलियर विधानसभा से हाजी फुरकान सीट निकालने वाले हैं। रुड़की की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस की माइनॉरिटी टीम पहुंची, उसने विधानसभा का जायजा लिया है और सीधे तौर पर कहा है कि इस बार रुड़की में जीत कांग्रेस की होने जा रही है। देखिए, ऐसे हमारे माननीय चेयरमैन अल्पसंख्यक विभाग राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है इमरान प्रतापगढ़ी जी, उनके दिशा निर्देश पर हम लोगों को यहाँ प्रभारी बनाकर भेजा गया है और हम लोग कल से यहाँ पर हैं, यहाँ घूम रहे हैं। तो जो हमारे प्रत्याशी हैं पार्टी के फुरकान अहमद साहब, उनका चुनाव बहुत अच्छा है, हर समाज का उनको वोट मिल रहा है और पिछली बार से ज़्यादा वोटों से इस बार वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। उनके जितने भी विकास कार्य हैं, लोगों के बीच में रहकर काम करते हैं, उसको उन्हें पूरी तरह से लाभ मिल रहा है। बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे हैं जो चुनाव को तुष्टिकरण करना चाहते हैं, जो भाजपा की गलत नीतियाँ उसके कारण, लेकिन यहाँ की कलियर की जनता बहुत समझदार है, वो उनको दोबारा जिताने का, तिबारा जिताने का काम कर रही है। वो
जैसे जैसे विधानसभा चुनावों के मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने उत्तराखंड में अपना डेरा डाल दिया है, जहां वे अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से मतदान करने की अपील कर रहे हैं। साथ में अपनी अपनी जीत का दावा भी ठोक रहे हैं। इसको लेकर उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस पार्टी गुजरात के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल सहित कई स्टार प्रचारकों का डेरा जमा हुआ है। बता दें कि उधम सिंह नगर में 4 VIP विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से उत्तराखंड की सबसे हॉट सीट खटीमा शामिल है, जिसको लेकर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गृह जनपद होने के कारण सबसे ज्यादा उस पर फोकस है। जनपद की 9 सीटों पर, जिसको लेकर आज जिले के मुख्यालय के रुद्रपुर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी को जीत हासिल कराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सात सौ किसानों की शहादत और लखीमपुर खीरी में कुर्बानी के साथ, पर एक बार फिर चोर दरवाजे से इस चुनाव के बाद उसे लाने की तैयारी है। मैं बहुत संक्षिप्त में आज उत्तराखंड में और देश में किसान की क्या दशा भाजपा ने कर दी है उसकी चर्चा करूंगा। किसान की बदहाली की कहानी मोदी सरकार की रिपोर्ट कहती है। NSSO जो भारत सरकार की संस्था है, उसने ये रिपोर्ट दी है कि किसान की आय तो 2022 तक दुगनी हुई नहीं, वो तो जुमला निकला। उल्टा 5 व्यक्तियों का परिवार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 26 रुपया 67 पैसे या 27 रुपये कमाता है। कौन सा परिवार या कौन व्यक्ति 27 रुपये में पेट पाल सकता है आज के महंगाई के युग में, ये बताइए। ये भी सामने आया कि हमारे जो किसान भाई हैं उनमें से 50% से अधिक 74,000 रुपये के कर्ज में डूबे। एक तरफ जहां सरकारें चौमुखी विकास और सड़कों का जाल बिछाने का दम भरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, वहीं जनता सड़कों के लिए लगातार संघर्ष, आंदोलन व विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करने का ऐलान कर रही है। ग्राम पंचायत पैठाणी के लोगों ने बैठक कर सड़क नहीं तो विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। हालांकि यह ऐलान पहले ही यहां के ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी देकर जाहिर कर दिया था, परंतु प्रशासन यहां के लोगों को आश्वस्त नहीं कर पाया। बैठक में वक्ताओं ने कहा है कि वर्षों पहले नारायण बगड़ परखाल चोपता मोटरमार्ग से पैठाणी गाँव के लिए लिंक मोटर मार्ग स्वीकृत हुआ था, लेकिन आज तक सड़क नहीं बन पाई। अभी शासन प्रशासन से कोई भी आएगा, हमें मुझे इतना नहीं लगता कि कोई वार्ता हो पाएगी, क्योंकि इससे पहले भी शासन स्तर के कोई ये पटवारी लोग आए थे, ये सिर्फ नाम मात्र हमें गुमराह कर रहे हैं। तो जनता का ये 20 साल से हमारी 21 साल हमें हो गए उत्तराखंड बने हुए, 15 साल यहाँ BJP रहेगी और 5 साल हमारे विधानसभा में कांग्रेस रहेगी। तो सिर्फ आश्वासन मिल रहा है और जनता का इनसे बिल्कुल भरोसा ही उठ गया। और आज जो मीटिंग थी, मीटिंग में गाँव वालों ने हाथ में जल लेके कसम खा रखी है कि हम बिल्कुल पूर्ण मतदान का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हमें इन पर आप भरोसा रही नहीं गया। स्थिति यहाँ तक आ गई कि आप कोई भरोसा लायक ना तो हमारे विधायक रहेंगे ना हमारे शासनिक प्रशासन रहेंगे। तो हमारा 4 तारीख को बिल्कुल संपूर्ण मतदान बहिष्कार, बिल्कुल बहिष्कार है। महिलाएं पर सपोरी तो दिक्कत हो रही है, बुजुर्ग जा नहीं पा रहे हैं। ये जाके मेन रोड से ये 2 किलोमीटर है। मेन रोड होने के बाद भी हम जब लोग परेशानी में जूझ रहे हैं, इसलिए हम रोड नहीं तो भूत नहीं। पूर्ण बहिष्कार का जो मामला था, और हमने पूर्व में भी 2 जनवरी को हमने सरकार अल्टीमेटम दिया था, उसे पूर्व भी दिया था कि हमारे यहाँ मोटर मार्ग और मोटर पुल नहीं होता, हम पूर्ण बहिष्कार करेंगे। लेकिन शासन प्रशासन सिर्फ आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं दे रहा। और हम सभी समस्त जो हमारे बूथ है पैठानी बूथ, हमने ये हमारा मानना है कि हम ये 14 तारीख को होने वाला विधानसभा चुनाव का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश के मानवेंद्र नगर में फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर छापेमारी कर रहे 4 लोगों को स्थानीय लोगों ने धर दबोचा। इनके साथ 3 और लोगों की टीम बताई जा रही है, जो छापेमारी के दौरान नकदी और ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। इनमें से भी एक को पकड़ लिया गया है। स्थानीय लोगों के द्वारा पकड़े गए 5 फर्जी आयकर अधिकारियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फर्जी आयकर अधिकारियों के द्वारा जिस घर में छापेमारी की जा रही थी, उस घर के एक व्यक्ति को भी अपने साथ
ले गए थे। हालांकि अब उसे भी ढूंढ लिया गया है। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कर रही है। अभी तक इस मामले में पुलिस की ओर से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया। पौराणिक काल से कन्नौज के राजाओं का आराध्य आशुतोष महामृत्युंजय महादेव मंदिर देवीधुरा में पिछले 6 वर्षों से पौराणिक मंदिर का कार्य शिव भक्तों के सहयोग से किया जा रहा है, जिसमें यहाँ के 30 गांवों की समितियां और यहाँ के स्थानीय लोग बढ़ चढ़ कर हमेशा से भागीदारी करते रहे हैं। पिछले 3 दिन पूर्व नवमी की तिथि से कलश और मंदिर घुमत की पूजा अर्चना की प्रक्रिया आज एकादशी पर्व पर मंदिर के विशाल गुंबद पर कलश को स्थापित करने के साथ ही मंदिर में भव्य पूजा अर्चना, हवन मंदिर की परिक्रमा सहित भगवान आशुतोष के दर्जनों भक्तों ने अपनी हाजिरी महापूजा महादेव मंदिर में लगाई, कलश स्थापना की साक्षी बने हैं। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत चमोली जिला निर्वाचन विभाग ने अधिक से अधिक वोटना हमारी जिम्मेदारी के लिए गढ़वाली भाषा में वीडियो बनाए हैं जो लोगों को खूब भा रहे हैं। स्वीप कार्यक्रम व सक्षम चमोली अभियान के तहत नए एवं युवा दिव्यांगजनों सहित आम मतदाताओं को आगामी 14 फरवरी को मतदान देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। दिव्यांग को बूथ तक आने हेतु वाहन डोली आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। हम सब ते सरकार बड़ों में सहयोग दियोन चाहनी किला बोले जी। सही बात बेटा जी, मैं भी वोट दियोन चाहंदू पर काज वोट दियोन जा सकदू। अरे बोले जी तुम निराश ना हो, तुम बिल्कुल चिंता ना करा, ये समझ सके हल्का ना वास्ता पूरा जिला में सक्षम चमोली अभियान चलूनु जेका माध्यम से चुनाव ते सुगम बनना तान दिव्यांग और वृद्ध बेटर ते हम जन वॉलंटियर वोट दियोन ते प्रेरित करना। और अगर आप लोग अपने बूथ पर जाने तो कोई भी प्रकार सहायता है जो रजंडोली ना गाड़ी या कुछ और चेनी तो हम ते बतावा। अरे नौनी सुबेर सुबेर पूर घोर मुनमा किले उठाई हो तेरू क्या ढूंढनी तू माँ जी। 14 फरवरी मतदान दिवस अनन वोट देन जा वोटर कार्ड लाटी क्या कर ली वोट डाले तन भी तेरा पिताजी जाना वोट ध्यान घर में रहो और मेरे काम में हाथ बटो। हम महिला समाज का संपचिन समाज कल्याण और विकास बराबर योगदान बात वो अधिकार जिम्मेदारी भी याद रखा, चाहे बेटी हो या बुआरी डालेंगे वोट सब अब की बात। हरिद्वार नगर विधानसभा सीट पर कांग्रेस नशे को चुनावी मुद्दा बनाए हुए है। आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने हरिद्वार पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और दूसरे भाजपा नेताओं पर नशे के सौदागरों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि धर्मनगरी हरिद्वार में सरकार के संरक्षण में शराब स्मैक समेत अन्य कई तरह के नशे अवैध रूप से बेचे जा रहे हैं, सरकार इस पर अंकुश नहीं लगा पा रही। इससे पता चलता है कि ड्रग माफियाओं और सरकार के बीच साठ गांठ है। उन्होंने कहा कि धर्मनगरी को नशे की चंगुल से आजाद कराने के लिए जनता के सामने कांग्रेस ही विकल्प है। हरिद्वार जैसी धर्मनगरी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नाक के नीचे सत्ता के सफेद पोशों और खाकी की मिलीभगत से स्मैक हेरोइन कोकीन गांजा चरस सिंथेटिक ड्रग्स साइकोट्रॉपिक ड्रग्स और नाजायज शराब उनका धंधा खुलेआम चल रहा है। ये साबित करता है कि नशे के इस व्यापार को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्यक्ष और परोक्ष संरक्षण है। ना माँ गंगा और ना चार धामों की ये पवित्र धरती इस घोर पाप के लिए कभी भारतीय जनता पार्टी को माफ करेगी। भाजपा के नेता पाप और श्राप के भागी बन चुके हैं और धर्म और संस्कृति की इस धरती में वोट की चोट से उनको सजा मिलने वाली है।
गदरपुर के गुरुद्वारा सिंह सभा में आज किसान संगठनों की बैठक हुई, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रुद्रपुर रैली का विरोध करने का निर्णय लिया है। इसके लिए यह रणनीति अपनाई जाएगी कि जो किसान जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां के शहर में विरोध प्रदर्शन करेंगे और रुद्रपुर पहुंचने की कोशिश करेंगे। यह विरोध पूरी तरह से लोकतांत्रिक होगा। जी, निर्णय लिया गया है किसान मोर्चे की मीटिंग में कि कल जो मोदी जी का प्रोग्राम रैली है उसमें सारे ही किसान भाइयों से निवेदन है कि वो अपने अपने घरों में काला झंडा दिखाकर पांच पांच लोग अपने घरों में काला झंडा एक ग्रुप में डालकर सोशल मीडिया पे वायरल करेंगे, सब लोग सोशल मीडिया पे विरोध करें दर्ज कराएंगे अपना, और जहाँ से गाड़ियाँ निकलेंगी वहाँ वहाँ अपने अपने शहरों में अपने शहरों में सैठने के लोग इकट्ठे होकर काले झंडे दिखाए जाएंगे। विरोध ये है के प्रधानमंत्री ने हमारी कोई किसानों की बात नहीं सुनी, झूठ बोले जा रहे हैं। सब फैसला हो गया है कि हम तुमको बुलाएंगे, अभी तक किसानों को नहीं बुलाया, कोई मीटिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, और किसानों का जो है बहुत विरोध है प्रधानमंत्री के तरफ से। तो हम जो है यहाँ विरोध करेंगे प्रधानमंत्री का, जब आएंगे यहाँ पर हम जोर जोर विरोध करेंगे यहाँ प्रधानमंत्री रुद्रपुर में आने के लिए। हमारा पूरा किसान जो है विरोध कर रहा है, किसान बहुत दुखी है। लखीमपुर कांड जो है उसका भी कुछ नहीं हुआ। वहीं दर्शकों, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के तहत आगामी सोमवार 14 फरवरी को मतदान होगा। उत्तराखंड में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं। सभी 70 सीटों के लिए सोमवार को एक साथ मतदान होगा। आमतौर पर पूरे राज्य को दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक गढ़वाल और दूसरा क्षेत्र कुमाऊं गढ़वाल। क्षेत्र में से विधानसभा की 41 सीटें हैं, जबकि कुमाऊं क्षेत्र में 29 विधानसभा सीटें हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामू कुमाऊं क्षेत्र के खटीमा से विधायक हैं और यहीं से वह इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य में चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है। आज यानी शुक्रवार 11 फरवरी को वरिष्ठ भाजपा नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 जगह चुनावी सभाएं की हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के चंद दिन ही बचे हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद हो गया है। मतदाताओं को बिना भय के मतदान करने के लिए पुलिस फोर्स गांव-गांव जाकर फ्लैग मार्च निकाल रहा है। लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किए जाने की अपील कर रहे हैं। साथ ही कोरोना की गाइडलाइन का पालन किए जाने की भी लोगों से अपील की जा रही है। मंगलौर कस्बे में स्थानीय पुलिस फोर्स के साथ BSF ने कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च को लीड कर रहे कोतवाली प्रभारी अमरचंद्र शर्मा ने बताया है कि संपूर्ण क्षेत्र में पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया जा रहा है, जिससे लोग बिना भय के शांतिपूर्ण तरीके से अपने मत का प्रयोग कर सके। इसके साथ ही एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है, जिसपे BSF के जवानों के साथ सभी मतदान स्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। हुड़दंग व हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। असामाजिक तत्वों के खिलाफ भी पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। मंगलौर कस्बे के साथ ही सभी ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, ताकि जनता बिना भय के मतदान कर सके। ये चुनाव को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में एरिया डोमिनेटिंग की कार्रवाई की जा रही है, और ये चिन्हित किया जा रहा है कि जो अराजक तत्व है उन पर प्रभावशाली कार्रवाई की भी जा चुकी है, और इसकी संवेदनशीलता को निरंतर कम करने के लिए वह मुक्त मतदान होगा। बिल्कुल, विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के अंतर्गत आगामी 14 फरवरी को प्रस्तावित मतदान कार्यक्रम संपन्न कराने के लिए जनपद के रवानगी स्थल उत्तरकाशी स्थित राजकीय आदर्श कीर्ति इंटर कॉलेज से पोलिंग पार्टियां अपने से संबंधित मतदेय स्थलों को रवाना होना शुरू हो गई हैं। इसके साथ ही जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित की उपस्थिति में शुक्रवार को 17 पोलिंग पार्टियां अपने से संबंधित मतदेय स्थलों को रवाना हुई हैं। सभी 17 पोलिंग पार्टियां विधानसभा क्षेत्र पुरोला से संबंधित मतदेय स्थलों के लिए रवाना हुई हैं। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार, अपर जिलाधिकारी तीर्थपाल सिंह आदि मौजूद रहे। तो फिलहाल उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।